शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी इस धरती पर एशिया महाद्वीप में हिंदुस्तान के कोने में बसा एक छोटा सा गांव है हड़बहेड़ी। माटी माटी ने की उपजे सच का यहां बसेरा अपने पिंड दी गलियां हड़बहेड़ी उतना ही रहस्यमय और आदर्श गांव है जितना कि शंग्रीला। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं। बस एक ही दुख है कि बाहर के लोग हमारे शहर को गांव समझते हैं। भाई शहर कहलाने की पहली शर्त होती है बिजली, तो देखिए यहाँ बिजली है क्यों चाचा? हाँ बेटा, 24 घंटे में भले ही 8 घंटे के लिए आती है लेकिन बिजली आती तो है। बस ये पता नहीं कब आती है, हरदम कोशिश कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब 24 घंटे यहाँ बिजली आया करेगी। बाकी यहाँ सब ठीक है। कहीं आंधियों में चराग है, कहीं नफरतों की आग है, कहीं जुल्म का सैलाब है, कहीं टूटा बिखरा। जोड़ रहा हूँ बेटा। फकीर चंद जी, अपनी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, सुना है त्रिफला वालों ने नई लगवा ली है। त्रिफला वाले चोर हैं, ब्लैक में टिकट बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा खा जाते हैं। घबराइए मत, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे यहाँ भी डॉल्बी सिस्टम होगा। हड़कम कोशिश कर रही है, बाकी यहाँ सब ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण बख्शी है और मैं इस अखबार हड़बहेड़ी टाइम्स का एडिटर हूँ। नमस्ते अरुण भैया। नमस्ते आयशा। अभी हमारा अखबार वीकली है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये डेली हो जाएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे संवाददाता होंगे। यहाँ के लोग पढ़ने के बड़े शौकीन हैं और खरीद के पढ़ते हैं, देख लीजिए। हम लोगों को ना कोई फिकर, इस माटी पे है रब दी महर, यहाँ सब ठीक है। हमारे यहाँ हर दिशा से गाड़ी आती है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, लेकिन रुकती सिर्फ एक है, मकर ध्वज के समीप। एक दिन ऐसा आएगा जब शिलाजीत एक्सप्रेस भी यहाँ रुकेगी। हड़कम कोशिश कर रही है, बाकी यहाँ सब ठीक है। ये हमारा हवाई अड्डा है। हमारा नहीं,
त्रिफला का? त्रिफला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जबकि हड़बहेड़ी सिर्फ 4 किलोमीटर। लेकिन गुड़ तो हमारा ही जाता है ना, वो भी हफ्ते में 2 बार। एक दिन ये पूरा का पूरा हवाई अड्डा हमें मिल जाएगा, देख लेना। हड़कम इसके लिए कोशिश कर रही है। सब ठीक है। सत्यकाम जी की जय। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्माण योजना की घोषणा की है। हमें यह भी पता चला है कि त्रिफला वाले ऐसी साजिश कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ हमें नहीं बल्कि त्रिफला वालों को। त्रिफला वालों की आवाज बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है क्योंकि वो एक मशहूर शहर है, सिर्फ 2 हस्तियों के कारण। नंबर 1, राजमलाया जी, जिनकी कई बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्रीज हैं। और नंबर 2, श्री केशव कनपटीमार जी, जिन्होंने 13 मर्डर किए और अब जेल से अगले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन 2 विभूतियों के कारण त्रिफला का नाम हुआ। हमें ऐसा नाम नहीं चाहिए। और हमें नाम की आवश्यकता क्या है? हम जैसे हैं प्रसन्न हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आशीष जी, लेकिन हड़कम के सचिव भाई अरुण का सपना है कि हमें लोग जाने। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया आप लोगों को जाने, हड़बहेड़ी को अपनी एक अलग पहचान मिले। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा विज्ञापन का सिद्धांत। जी हाँ, किसी भी मशहूर हस्ती के साथ अपने प्रोडक्ट का नाम जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट भी मशहूर हो जाएगा। जैसे सनी देओल की वजह से कच्छे और बनियान, शाहरुख और आमिर खान की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स, और अमिताभ बच्चन की वजह से तो पता नहीं क्या क्या मशहूर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की वजह से झांसी, गांधी जी की पदयात्रा के कारण दांडी, और हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कारण पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव मशहूर हो गया जहां वो पैदा हुए थे। गाह, काश हमारे यहां भी कोई वीआईपी पैदा हुआ होता। हुआ है, हुआ है, हमारे यहां भी एक वीआईपी हुआ है। कौन? कौन? ए, मेरे झोले में। वीआईपी झोले में? आइए जल्दी आइए, आइए आइए, बताइए बताइए कौन है? ये देखो, ये किसकी तस्वीर है? ये मैं हूँ, ये कपूर साहब हैं, और ये उनकी घरवाली कृष्णा जी हैं। और ये उनकी गोद में कौन है? उनका पुत्र, मैं पैदा किया से। उनका नाम? मैं रखा सी चिंटू। चिंटू? ये तो राज कपूर है। राज कपूर? चिंटू कपूर यानी ऋषि कपूर। ऋषि कपूर? यहाँ पैदा हुए थे। देखिए देखिए, 1952 में दोनों मियाँ बीवी सत्यकाम जी की समाधि पर फूल चढ़ाने आए थे। वही कृष्णा जी को दर्द शुरू हो गए। इत्तेफाक से मैं और तुम्हारे ताऊ जी वहाँ थे। हम तुरंत लेकर के उनको डाक बंगले गए और वही चिंटू का मेरे हाथों जन्म हुआ। साथियों, सुना आप लोगों ने, मैं आज ही चिंटू जी को निमंत्रण भेज रही हूँ कि वो जल्द से जल्द अपनी मातृभूमि में पधारे। सत्यकाम जी की जय। ये छोटा प्लेन इतना अनकंफर्टेबल है भैया। From here. Oi, oi, oi! Get down there! Get down there! मुझे कुछ किया था। असली कलाकार ये। ततैया होगा सर, बॉस इस जहाज से गुड़ जाता है ततैया वापस आता है। अरे क्या बदतमीज कर रहा है सर? 1 मिनट। अरे वो उड़ गया सर। क्या उड़ गया? वो ततैया। हाँ सर। अब बड़ी विलेज इन्फेस्टेड बड़ी इंसेक्ट्स। देवी का कीड़ों मकोड़ों से मुझे बहुत डर लगता है यार। I don't like it. मेरे ख्याल में let's go back. Captain. सर, अगर पॉलिटिक्स में जाना है, MP बनना है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो उठानी होंगी। After all, this is your birthplace, sir. तुम सही कह रही हो। अब देखना जो मैं पंच बैठाता हूँ। तालियां सुनी? हाँ विजय,
मैं अरुण बख्शी, हड़कंप का जनरल सेक्रेटरी। ये हमारी अध्यक्ष कांता मेहता। नमस्कार सर, हमारी कमेटी है सर, आदरणीय वशिष्ठ जी, आदरणीय आतम जी, सत्यकाल जैदी साहब, चौधरी साहब, फकीर चंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष राधे श्याम। अरे राधे श्याम जी, वाह वाह, राधे श्याम, राधे श्याम। वाओ, दिस इज सो रोमांटिक। मेरा नाम अरुण बख्शी है, आपका? देविका। Why did my parents have to come to this bullshit? Yes sir, it is. Shitty, a cutie. Sir, फौरन मेरे घर फोन करके बोलो कि मैं कल वापस आ रहा हूँ। Okay sir, relax sir, relax. सिर्फ एक चीज याद रखिए, P. P? What P now? P for politics and D for your dreams. And right now, R for relax. Sorry sir, no network. Then clean this shit. बेबी चिंटू, बेबी तस्वीर, ये कहाँ से लाए आप लोग? थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू, नमस्कार, ओ, थैंक यू, थैंक यू, अरे, 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 कितना, अरे, रोल ओवर टू इंडिया, अरे, कोटे, अरे, बस, बस, कोटे, टेक दिस, सर, 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 ये है हमारी शकुंतला जी, यहाँ की सबसे पुरानी दाई माँ, आपका जन्म इन्हीं के हाथों हुआ था और आपका नाम इन्होंने रखा था। आई सी। फिर तो ये आपकी माँ समान हुई, पैर छू लीजिए। सर सर, ये हैं हमारे नगर प्रमुख और कांता जी के पति श्री शंभुनाथ मेहता। वेलकम, वेलकम होम चिंटू जी, वेलकम। ये चिंटू जी क्या होता है जी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा नाम ऋषि कपूर है, आप ऋषि कपूर कहिए। लेकिन चिंटू जी कितना स्वीट है, कितना प्यारा लगता है, अब है ना? हाँ। चिंटू जी जिंदाबाद, चिंटू जी जिंदाबाद, चिंटू जी जिंदाबाद। सर सर, कृपया करके इस ओर आइए, प्लीज प्लीज, पधारिए, आइए आइए सर, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए सर, प्लीज प्लीज। सर ये देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि आप हमारे लिए कितने महान हैं। सर सर, बटन दबाइए। में अमिताभ बच्चन का कटआउट कितना ऊंचा था? 25 फीट। और चेन्नई में रजनीकांत का? 30 फीट। और ये? 35 फीट सर। गुड, आई लाइक इट। सर, आपकी अपनी जनता के लिए दो शब्द। हां, लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं भाई। मेरा बस चलता तो मेरी पैदाइश इंग्लैंड में होती, हॉलीवुड में होती, लेकिन भगवान की मर्जी क्या उसने मुझे पैदा यहां किया। क्योंकि इन्हें आप लोगों का प्यार पाना था। ओ चिंटू जी, अपनी किसी फिल्म का डायलॉग सुनो जी। डायलॉग क्या सुनाना? चिंटू जी जरा डांस करके दिखाइए। अरे वो ठीक है, डांस नहीं, वो पर्दे पे होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वी 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 क्या? वी फॉर वाटर सर, प्लीज। तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। कभी किसी को दिल दिया? दिया। मैंने भी दिया। अच्छा, आपने भी दिया? Oh God. आप जर्नलिस्ट हैं या रोमांटिक नॉवलिस्ट? दोनों दोनों। कितनी गर्मी है यार। It's bloody hot here. ओए, इसको हैंगर पे लगाओ, हैंगर पे। आप लोग एयर कंडीशनिंग नहीं है? है ना सर, पर अभी बिजली नहीं आ रही है, दरअसल यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत होती है। तो जनरेटर लगाइए। आप लोग कैसे रह लेते हैं यहाँ? हमें तो आदत है सर। मुझे नहीं है। सर आप ये भिंडी लीजिए, मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था दैट यू लव भिंडी। आई हेट भिंडी एंड आई हेट एवरीवन हु लाइक्स भिंडी आल्सो। कुछ चिकन नहीं है? सॉरी सर,
हम लोग नॉनवेज नहीं खाते और मेहमानों को भी नहीं खिलाते। नॉनसेंस। पाव क्यों मार रही हो? सॉरी सर, गलती से लग गया। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, खाना खाइए। Can I have a cold drink, please? Yes, sir. Thank you. आपकी तो कोल्ड ड्रिंक भी कोल्ड नहीं है। सॉरी सर, मैंने बर्फ लेने भेजा है, लड़के को बस आते ही होगा। जरा देखिए ना दिनेश कहाँ रह गया। मेरे रहने का प्रबंध तो यहाँ नहीं किया गया ना? नहीं 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 सर, डाक बंगले में आपका प्रबंध। I want to leave right now, Devika Kutti. Let's leave now. Thank you, gentlemen. Oh God, ये pain बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। Oh my God, Derek. Oh यार, कोई एक drink बना दे। अरे half my studio for a bottle of whiskey at this time. Mariamma. मलयालम नहीं जानता, बंबई में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर इनके फादर के सेक्रेटरी थे और अब मैं इनका हूँ। सरी सरी। ओके। डोंट वरी, चिंटू जी बिल्कुल ठीक हैं। सत्यकाम जी की जय। अभी तो चिंटू जी को दो चार दिन इधर ही रखना पड़ेगा। हाँ, सत्यकाम जी का कृपा होगा तो बहुत जल्दी ही व्हीलचेयर में चलने फिरने लगेगा। लेकिन उन्हें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ डाक बंगले में सारी फैसिलिटी है। जानता हूँ शोमनाथ जी, लेकिन स्पाइन इंजुरीज, फ्रैक्चर, कुछ भी तो हो सकता है। हाँ, दो दिन के बाद हम एक्सरे करेगा तब पता चलेगा। मुझे चिंटू जी के घर पे फोन करना है। सॉरी, हमारे यहाँ एसटीडी नहीं है, पर हम कल लगवा लेंगे। क्रॉसिंग पे भूत है। भूत 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 टेलीफोन भूत, मैं दिखा दे। आओ मरी अम्मा। हाँ मरी अम्मा, तुम जाओ पेशेंट को देखभाल करो। नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए बैठिए। नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही पता कर लूंगा। एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जी मैं इतों का हवलदार लैणा सिंह, सत श्री अकाल जी। ते मेरा साथी है जी जग्गी। नमस्ते जी। कितने पैसे हो? पैसे? एक बात का ध्यान रखना देविका जी, जब तक आप हर बहेड़ी में हो अपना पर्स बंद ही रखना। मजा आ गया, कमाल की चाय है। यहाँ की हर वस्तु अद्भुत है देविका जी। आप यहाँ कुछ दिन रहेंगी, आप स्वयं यहाँ की हो जाएंगी, हमारे आर्य पुत्र अरुण की भांति। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? फिर यहाँ कैसे, कब से? वो लंबी कहानी है। जी, कमाल है आप लोगों का शहर। ग्राहकों को चाय मुफ्त पिलाते हैं और पुलिस वाले पैसे देते हैं। ये सब रब दी ते सत्यकाम जी दी मेहर सदका है। वैसे आपने नोट नहीं किया होगा, यहाँ घरों को कोई ताला नहीं लगाता क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती जी। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों? हम तो यहाँ आए हैं जी। एक मिनट साहब जी, मैं आया। क्या सुन क्या? हेलो जैन साहब जी, यहाँ पे सब ठीक है जी। सुन लिया आपने, बस इनका यही काम है, सुबह शाम ऊपर वालों को खड़ा कर देंगे। यहाँ सब ठीक है। कितनी सुंदर जगह है ना कुटी। और ये भी कमाल है कि यहाँ पुलिस वाले पैसे देते हैं। हाँ। अच्छा, चिंटू जी के घर वाले तो बहुत चिंता कर रहे होंगे ना उनके एक्सीडेंट का सुनकर। अपुन के रहते चिंता की क्या बात है मैडम। नीतू जी बोली, कुट्टी तुम संभाल लेना, हम सब दो हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। मैंने कहा कोई वादा नहीं, आराम से जाने का, मैं हूं ना। चिंटू जी को ये स्विट्जरलैंड वाली बात मत बताना।
लो भाई अरुण जी, एक थारे रात का कोटा। थैंक यू चौधरी अंकल, चलते हैं, कल मिलेंगे। ये लीजिए सैदी साहब, ये रही शह और मार। बात कौन सी बात? बात नहीं मात। सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान, पिछले हफ्ते ही दिल्ली से ट्रांसफर होकर त्रिपला में आया हूँ। सुना है यहाँ ऋषि कपूर साहब आए हुए? हाँ जी, उनका पैर फिसल गया था, उनको बहुत चोट लगी है। ओहो, बड़ा दुख हुआ सुनकर के। भाई मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। खैर कोई बात नहीं, दोबारा आ जाऊंगा। चाय पी के जाओ सर। ओ नहीं नहीं, फिर कभी, फिर कभी। अच्छा। वो बंदा कौन था जो अभी बाइक से गया? कहीं देखा हुआ लगता है। वो साढ़े अखबार के एडिटर हैं जी, अरुण बख्शी। अच्छा चलता हूं। अब हमें होशियार रहना पड़ेगा अरुण के लिए। हाँ ओम शांति। हेलो, अरे कौन बाहर मेरा गाना इतना बेसुरा गा रहा है? चाय हुकुम। अरे भाई अभी एक घंटा सोऊंगा फिर चाय बना। और नाश्ता? अंडे अंडे अंडा खाऊंगा मैं नाश्ते के लिए। और सुन जी साहब, लंच के लिए देसी मुर्गा का इंतजाम करो। हाँ देसी मुर्गा। अंडे मुर्गा? छी 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 छी, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कांता, तुम उसे साफ मना कर दो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो हमारे मेहमान है डियर, और मेहमान देवता समान होता है, अतिथि देवो भव। क्या भूल गए आप, ये भी तो हमारा धर्म है। हाँ है तो सही। बस तो दिल पर पत्थर रख लीजिए। और सुन बेटा, तू जा और जैसा वो कहे वो ला और पका कर खिला। इसके प्रायश्चित के लिए मैं आज से ही 3 दिन का निर्जल उपवास रख लूंगी। अगर तुम रखोगी तो मैं भी रख लूंगा। मैं भी रख लूंगा। मैं भी। कर्ज पिक्चर में चिंटू जी ने क्या गिटार बजाया भाई साहब, हैं कमाल है। बड़े। अरे अरुण सुनता हूँ, अरुण मिलता हूँ बाद में, जल्दी में। हाँ बेटा, शहर की लड़की को देखते ही ये दोस्तों को भूल गया। ये बंदा तो गया काम से। गया। तो आप कहाँ के? क्यों नहीं, विशेष जी कह रहे थे ना कि आप यहाँ के नहीं है। और मैंने कहा था लंबी कहानी है, फिर कभी सुन लीजिएगा। वैसे आप कहाँ की हैं और चिंटू जी की क्या लगती हैं? लंबी कहानी है, कभी और सुन लीजिएगा। टूशे, वेल डन। जोक्स अपार्ट, मैं एक पीआर एजेंसी में काम करती हूँ जिसे चिंटू जी ने हायर किया है। अच्छा। वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, और मुझे उनकी बायोग्राफी भी लिखनी पड़ रही है। दैट्स इट। दैट्स वेरी गुड। और क्यों नहीं, जब इतने सारे फिल्म स्टार्स पॉलिटिक्स में आ गए, अपनी जीवनियां भी लिखवा रहे हैं, तो चिंटू जी क्यों नहीं? यहाँ से तो वो अनोपोज जीतेंगे ही। In fact, this could be his launching pad. Exactly. That's what I said when I read the invitation. लगता है सत्यकाम जी की कृपा से हड़बहड़ी के सारे सपने पूरे होंगे। ये सत्यकाम जी कौन थे? एक सच्चे संत। उन्हीं ने शहर बसाया था लगभग 300 साल पहले। उनके दो शिष्य थे, सत्यप्रिय और देवप्रिय। देवप्रिय सत्यप्रिय से जलता था क्योंकि वो गुरु जी को अधिक प्रिय था। देवप्रिय ने एक दिन विद्रोह कर दिया और यहां से दूसरे गांव चला गया और उसका नाम रखा त्रिफला। फिर त्रिफला बहुत अमीर हो गया, लेकिन झूठ, छल कपट और बेईमानी से। लेकिन हड़बहेड़ी ने सत्यकाम जी का सत्य, अहिंसा, प्रेम और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। गुरु और शिष्य दोनों की समाधियां यही हैं और हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। हम वहां चलेंगे। हाँ जरूर, लेकिन वापस आने के लिए तैयार है ना?
मतलब? मतलब जो भी एक बार वहाँ जाता है वो वापस जरूर आता है। मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ एक बार वहाँ आया था, देखो मेरी किस्मत मुझे फिर यहीं खींच लाई। नमस्ते जी साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आदाब सर। आदाब जैदी साहब। आदाब, आदाब। भाई आप लोग नॉनवेज तो खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी बेगम साहिबा से बोल दिया है, वो रोज वहीं पका दिया करेंगी और आयशा यहाँ ले आया करेगी। थैंक यू जैदी साहब। ये आपके हाथ में क्या है? साथ में आयशा है और दिनेश है। साथ में नहीं अब्बू, हाथ में। हाथ में? अरे बाप रे, ये टेलीग्राम्स हैं जो चिंटू जी के नाम आए हैं, बड़ी दूर दूर से, इंग्लैंड, अमेरिका तक से। अच्छा, वाह, हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। नो, दिस इज रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई मैदा बता नहीं रहते। हे भगवान, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। थैंक यू। ये एसी क्यों नहीं चल रहा जबकि ये मरियल पंखा तो चल रहा है? पंखा और कॉर्डलेस इन्वर्टर पे है इसलिए चल रहा है सर। अब फटाफट ये एसी चालू करो वरना वरना ये गुलदार के तेरे सर पे मारूंगा। सुनो आपने क्या क्या मांग रहे हैं? अंडे? अंडे नहीं, एसी। देसी? हमारी तो सारी मुर्गियां देसी हैं, विलायती तो हम पसंद ही नहीं करते। एसी? बिजली नहीं है ना तो एसी काम नहीं कर रहा। अच्छा एसी, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। क्या हो रहा है मैम, चिंटू जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देविका बहुत से कारण हैं, कोई एक हो तो बताओ। ठीक है मैं देखती हूँ। सर सर सर, आपने तो सारा घर सर पे उठा लिया है, मैं तो ठीक से नहा भी नहीं पाई। यहाँ बैठ जाओ, पसीने में नहा लो, पट्टी बदलो यार प्लीज। सर आप तो इतने से ही घबरा गए, दूसरे पी वालों को देखिए अपने वी के लिए क्या क्या नहीं झेलते। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पी और वी। आई एम फेड अप विद दिस एज फॉर गुड्डी। आ गई सर। तुम गुड्डी हो? नहीं सर। तो तुम क्यों आई? उड़ा गुलदान। नहीं गुड्डी। आ गया सर। फौरन वो प्लेन चार्टर करो जिससे हम यहाँ आए थे। मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे मेरे लिए, कितना मिस कर रहे होंगे मुझे। नहीं सर, वो सब तो स्विच शिरडी गए हैं सर आपके लिए मन्नत मांगने। मैं अभी प्लेन का पता करता हूँ। आ मरियम। चोरी से कनेक्शन दिया लेकिन मेहमान के लिए दिया है और मेहमान तो फरिश्ते के बराबर होता है बेटा। गुनाहगार तो मैं भी हूँ बेटा, तू 3 दिन का उपवास रख ले, मैं भी कुफारा कर लूंगा सदका और जकात देकर। ये लीजिए श्रीमान वर्मा जी, समस्त हर बहेड़ी वालों का हस्ताक्षर किया हुआ प्रार्थना पत्र। आप हम सबके घरों की बिजली काट दीजिए मगर चिंटू जी की सप्लाई जारी रखिए, वो बहुत तकलीफ में है। देखिए आदमजीत जी, मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ लेकिन 24 घंटे की सप्लाई के लिए हमारा ये ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है, इसके लिए मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। आप कुछ कीजिए वर्मा साहब, ये हर बहेड़ी की इज्जत का सवाल है। ये हमारे डिपार्टमेंट की भी इज्जत का सवाल है चौधरी साहब, मैं चीफ साहब से बात करता हूं। बधाई हो बधाई, हमारे चीफ साहब तो अपने चिंटू जी के फैन निकले और वो अपने हर बेड़ी को एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 5, 2, 3, 4, 5 पांच इधर है सर। ये पांच इधर है सर। इधर है सर। अरे इधर पांच, इधर पांच, इधर। अरे इधर से गिनना, पांच इधर है, इधर इधर। सर ए कुटी। सर कौन सा ये? आई थिंक शी इज राइट सर। शट अप, तेरे को तंगा कौन देता है? ये मैं वो करता वे मुझे बन गंडा कलिया। ये गड़े बड़े बड़े नहीं बोलेगा। यस कम इन। यस सर, मिस्टर मलकानी का फोन है बॉम्बे से। मलकानी? गेट द फोन मलकानी। यस ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। गो कम ऑन आउट। मैं क्या मलकानी, क्या हाल है? मेरे तो बड़े बुरे हाल है यार। मुझे मालूम है चिंटू जी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूं वहां पर। सच? कब? As soon as possible। यार मुझे यहाँ से निकालो यार, मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है यार। अरे समझिए निकल ही गए, मैं हूँ ना। ओके बाय। एक मिनट एक मिनट, मेरे घर से मेरे कपड़े वपड़े लेते आना और मेरा दूसरा सामान भी, समझ गया ना? यहाँ तो आकार पड़ा हुआ है, मैं 2 क्रेट लेता आऊंगा। ओके आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू चिंटू जी, बाय। अरे हट। आई लव यू टू साल।
वाला मतलब ही नंबर एक। मनीष, दो क्रेट मंगा उल्लास नगर से। इस आदमी की वजह से मेरी फिल्म अटकी पड़ी है और ये आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है। अमां जी, आप एक काम करो, आप स्क्रिप्ट में चेंज करो, चिंटू जी को बिस्तर पर लेटाओ, डेथ सीन खत्म करो। क्या बात कर रहे हैं आप मलकानी साहब, 40 साल से फिल्म लाइन में हूँ, 17 हिट फिल्में लिख चुका हूँ, 3 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं मुझे, और आप मुझे स्क्रिप्ट बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं। संपत जी, आप अमान साहब का हिसाब कर दो। अब बेटा मनीष, तू भट्ट साहब को फोन लगा, वो कोई भी सीन डेथ सीन में 2 मिनट में बदल देंगे। देखिए, डेथ सीन से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसमें एक्शन और सस्पेंस डाल दिया जाए तो बात बनेगी। बोलिए, डाल दूं? कुछ भी डाल दो, सब चलेगा। मेरी फिल्म ओवर बजट हो चुकी है, ऊपर से रिलीज की डेट मेरे सर पर है, और ऊपर से इस आदमी ने एक्सीडेंट के लिए ऐसी लोकेशन चुनी है जो पता नहीं कहां पर है। यहां है सर, मुझे मिल गई, ये देखिए। हां है, फौरन पता करो कौन कौन सी फ्लाइट जाती है। सिर्फ एक फ्लाइट है सर, हफ्ते में 2 बार जाती है, लेकिन अगले 10-12 दिन तक नहीं जा पाएगी क्योंकि उनका प्लेन खराब हो चुका है सर। ट्रेन? एक पैसेंजर ट्रेन है सर, 46 घंटे लेती है, लेकिन राइट टाइम हो तो। ठीक है, आज की मेरी टिकट बुक करा दो और 2 दिन बाद पूरी यूनिट की टिकट बुक करा दो। मलकानी साहब एक मिनट, हम तो चलो घर के लोग हैं, पर जूनियर आर्टिस्ट पैसेंजर ट्रेन से जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे, उनका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेनका जी भी तैयार नहीं होंगी, उनके बहुत नखरे हैं। तो क्या किया जाए? एक तरीका है सर। क्या क्या? बताओ बताओ। क्या, कौन है वो सुपरमैन? उसे ढूंढो। वो वहां खड़ा है सर, बुलाओ उसे। अरे बुलाओ। मेरा असिस्टेंट बता रहा था तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी रुकवा सकते हो। जी हाँ सर, लेकिन अगर आप मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे दें तो। मैंने बकायदे ट्रेनिंग ली है सर। ट्रेन रुकवाने की? नहीं सर, एक्टिंग की। ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो। अरे पोर्टफोलियो को मारो गोली यार, तुम मुझे ये बताओ तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी कैसे रुकवा सकते हो। अपने जीजा जी से कहकर सर, वो रेलवे मिनिस्टर है सर। रेलवे मिनिस्टर? यस सर। नाम क्या तुम्हारा? पप्लू यादव। अरे तुम तो यार इतने टैलेंटेड आदमी हो, तुम थे कहाँ अब तक भाई? यही था सर, 2 साल से आपके चक्कर लगा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, बट इट्स नेवर टू लेट। अमान साहब, हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढ के निकालिए आप। है ना मेरे पास बहुत धांसू सब्जेक्ट, 2 हीरो वाला, ट्रेन टू अफगानिस्तान, सुनाओ। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप फिलहाल उसी सीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो हमें वहां जाके शूट करना है, वो हड़बड़ी में। नहीं क्या, हड़बड़ी में? नहीं, अरे क्या है जगह का नाम? हड़बड़ी। साप्ताहिक हड़बड़ी टाइम्स। जी सर। कितनी सर्कुलेशन है इसकी? काफी है सर, त्रिफला को छोड़कर कुछ 65 गांव और कस्बों में पढ़ा जाता है सर। पर यार पेपर तो इसका अच्छा यूज करते हैं, अब मेरी तस्वीर इसमें कैसे लगेगी? वो क्या कहते हैं तुम्हें, वो यूज करना चाहिए, वो ग्लॉसी। माफ कीजिएगा सर, ग्लॉसी अखबारों में किस तरह का कचरा छपता है मुझे पता है, और वैसे भी सर पेपर की क्वालिटी उसमें छपे मैटर से आंकी जाती है। भाई आई एम सॉरी, मैं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे तो ये सारा कचरा है, कचरा। वेल डन चिंटू जी, वेल डन। क्या हुआ? ये अखबार नहीं, आपके वोट हैं जिन्हें आप इस तरह फेंक रहे हैं। बना भाई शेव। अरुण, अरुण रुको तो, अरुण सुनो, अरुण। अभिनव साहब, लगता है बहुत दूर से आ रहे। दिल्ली से। पत्रकार है? ऐसे रद्दी अखबार का नहीं, बहुत बड़े अखबार का। ऋषि कपूर की सारी न्यूज कवर करने के लिए आया हूँ। कहाँ टांग टूटी उसकी? नहीं नहीं, टांग नहीं टूटी है उनकी, किन थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है, मामूली सी चोट है। अभिनव साहब चाय। यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती जगह मिल जाएगी? हाँ उधर एक धर्मशाला सा है, 3 रोज तक तो आप उसमें फ्री रह सको, और बाद में 5 रुपए रोज। अच्छा इतना सस्ता है? यहाँ ठेका किधर है? ठेका दारू का? यहाँ नशे की कोई चीज ना मिलती सिवाय इस चाय के। अच्छा तो फिर कहाँ मिलेगी? त्रिफला में।
बाहर के हो? दिल्ली का। यहाँ त्रिफला में क्या कर रहे हो? हड़बड़ी आया था ऋषि कपूर का इंटरव्यू लेने, लेकिन वहाँ दारू मिलती नहीं है इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, पत्रकार हो? हाँ, तब तो हमारे काम के आदमी हो। प्रताप साहब के लिए मुर्गा लेके आओ। विद्यासागर चौहान, एक आपकी और एक आपके स्टाफ की। मेरा एक काम करोगे विद्या? एक क्या, पांच बोलो। हड़बड़ी में एक बंदा है, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल सकता है, पहले काम तो शुरू करो। ठीक है, कौन है वो बंदा? अरुण, क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी तेरे? अरे यार ज्यादा लग गई है, चल बाहर आ, चल आ जा। नहीं नहीं बैठना नहीं, मैं ठीक हूँ। वो तेरे सट लगी है। पानी। Oh my God, I am so sorry. तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी वो चिंटू जी की मिसबिहेवियर के लिए। नाम मत लो उस आदमी का, ही इज अ ब्लडी पेन इन द नेक। माइंड योर टंग, चिंटू जी हमारे मेहमान हैं, माफी मांग। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी देविका। असल में ये बाहर का है, अभी पूरी तरह हड़बड़ी वाला नहीं बन पाया है। चिंटू जी एक बात, वेरी कॉन्फिडेंशियल। क्या? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म राइटर बनूं। फिल्म राइटर? हाँ, डॉक्टर तो माँ बाबा बोला इसलिए बन गया। एक लीव भी दिया मैंने, एक सेकंड लेट मी चेक। व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्क्रिप्ट तो मेरे बैग में कैसे आ गया? ये स्क्रिप्ट है कि टेलीफोन की डायरेक्टरी? मेरा 30 साल का तपस्या है, इसमें सब कुछ है, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सेक्स, डाल देगा। अब सुनेगा नाम? वेल, फिल्म का स्क्रिप्ट सुनने के लिए थोड़ा मूड तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे के थोड़ा डर मार के। अरे बाबा, ये अपने की बोलते ना ना, ये है ना हॉटबॉय में नहीं मिलता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर 30 साल का और तपस्या करो तुम। कल मैं ऋषि कपूर से मिलने की कोशिश करता हूँ इंटरव्यू के लिए, पर हाँ फिर मैं त्रिफला से कुछ फोटोज ईमेल करूँगा अपने मैगजीन सेशन के लिए। और हाँ, साथ में मैं एक आदमी की फोटोज भेज रहा हूँ, अपनी आर्काइव या किसी दूसरे न्यूज़पेपर की आर्काइव से चेक कराओ। यार मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। ठीक है, ओके भाई। विद्यासागर का एक एक शब्द सुना मैंने, वो दिल्ली बात कर रहा था, अरुण जी की फोटो भी भेजेगा त्रिफला से। ये आदमी बहुत खतरनाक सा। हाँ, अगर अरुण का राज खुला तो हड़बेड़ी की तरक्की भी रुक जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका एक रामबाण इलाज है मेरे पास। क्या? तो बताता हूँ, लेकिन सबको प्रायश्चित करना होगा, 3 दिन का निर्जल उपवास। अच्छा, वैसा काम है? ठीक है, रख लेंगे। उधर देखो, उधर देखो, ये चीज। कौन सी चीज? You look so funny. I wasn't prepared. Chai. Thank you. ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे पे हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो अपनी कहानी सुनो। चाय के बहाने ही सही।
चलो जिंदगी को फिर से पुकारे, दो लम्हे सुकून के मिलके गुजारे, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने। कहाँ खो गई हैं वो प्यारी सी बातें, सोने से दिन और चांदी सी रातें, चलो चल के ढूंढे बातें पुरानी, मिल जाए शायद कोई तो निशानी, बचपन को ढूंढे नदियाँ किनारे, दो लम्हे सुकून के मिलके गुजारे, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने। मुश्किल से आपके लिए एक बोतल ले आया है। बाप रे बाप, अभी 30 साल का तपस्या जा रहा था। ठीक, हमारा कंपाउंडर दूसरे गांव से ले आया। ओके ओके। हर मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ दारू होता है, तो मैं ये दारू आपको दवा समझ के देता हूं। ये लीजिए। अरे ये क्या, थोड़ा और डालो ना, डबल डोज दो, ये पेट कितना है। अच्छा अच्छा, ये लो क्या, ये चीयर्स। ओ यार, इसका बदबू तो भयंकर है। जो है सो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हां, दैट्स ट्रू ट्रू। चीयर्स। तो हम शुरू करता है। हां, चिंटू जी, प्लीज, हमारा फिल्म शुरू होता है शांति निकेतन, एक बहुत बड़ा गाछ, गाछ पेड़, पेड़, उसके नीचे खोकुन बाबू, खोकुन बाबू हीरो, हमार हीरो बैठा है, और उसके सामने बैठा है लाबुन, लाबुन हीरोइन, हीरोइन। तो दोनों मिलके गाना गाता है, बहुत मधुर गाना। आशा छिलो, भालोबाशा छिलो, लाबुन गाती है। आशा छिलो, ভালোবাসা ছিল। ये ব্যান্ড কেসা है? এটা
फकीर चांद का बेटी का शादी है, हम भी इनवाइटेड है, लेकिन आपके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्या बात है काना, आशा छिलो ভালোবাসা ছিল আশা ছিল ও ভালোবাসা ছিল। বন্ধ করো यार প্লিজ। আমি চললাম লাবণ্য, তুমি আর কাউকে বিয়ে করো। আমি চললাম না, এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। কোকো কোকো, আমাদের প্রেমের ফুল, আমাদের সন্তানের কি হবে, এই অবলা শিশুর কি হবে? কোকন এ হতে পারে না, কোকন আমাদের সেই শান্তি নিকেতন, আমাদের সেই গাছের তলায় বসে গান, সেসবের কি হবে কোকন? আরে বন কন্না ইয়ার, তেরি টুটা প্লিজ। চিন্টু জি, জানাই বল, ইমোশনল হ্যায় বহুত, বহুত ইমোশনল। বহুত চলাইয়ে ইয়ার, তুমি দূর হ্যায়, আগে পড়াকে স্টার্ট কর লেঙ্গে। চুপ ইয়ার। দিদি হ্যাঁ, জরা শুনগে। হ্যাঁ হ্যাঁ। बहत्तर घंटे 45 मिनट 31 सेकंड। अरे पांच तो गए ना, कितने पैसे हुए भाई तुम्हारे? ना ना, क्या बात है साहब जी, आपसे पैसे हम थोड़ी लेंगे। क्यों जी, आप चिंटू जी के मेहमान है जी, तो हम सबके मेहमान है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? एंटोनियो नी है? एंटोनियो नी पांडे। एंटोनियो नी तो इटली के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे जी। एक बार वो हिंदुस्तान आए थे तो मेरे पिताजी ने उनको रिक्शे पर बैठाया था, उसके बाद मैंने आपको। वाह, एंटोनियो नी के बाद दूसरे नी आप, मलका नी। भैया मैं अपनी क्रेडिट लिस्ट में फिल्म की तुम्हें जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म की आज तक की सबसे बड़ी बचत यही है और सबसे बड़ा ऑनर भी यही है। धन्यवाद। चल बेटा मनीष, चल, लगता है अपने अच्छे दिन आ गए। बस चिंटू जी को पता ना लगे विस्की नकली है। अरे चल ना, बहुतों को पिला दिया मैंने, चल तो सही। ठर्रा पीने के बाद असल का सवारी भूल गया। जी जी समलकानी साहब, मेरी पीठ थोड़ी बेटर है, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। नहीं 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 चिंटू जी, अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे अपनी फिल्म कंप्लीट करनी है ना। तो तुम यहाँ शूटिंग कर रहे हो? हाँ, यूनिट तो दो दिन में पहुंच रहा है यहाँ पर। तुमने कहा ही नहीं मुझसे। बस एक ही प्रॉब्लम है मेरी। क्या क्या? मेरे पास एक्स्ट्रास नहीं है। एक्स्ट्रास की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिला दूंगा। अच्छा तो कितने पैसे लगेंगे उसके? साहब फ्री में सर, यहाँ हमारे साहब का जलवा है। अच्छा फ्री में? रिक्शे वाले की तो बेटा डबल में मंगा लेना है। हाँ, लेकिन यहाँ जो आपकी बचत होगी उसमें अब 50% तो चिंटू जी का जाएगा और किसको जाएगा। चलता हूँ चिंटू जी, अपना ठिकाना भी ढूंढना है। जी हाँ जा, चल बेटा, एक धर्मशाला फ्री की ढूंढ, जल्दी से शाम हो जाएगी। नहीं ओ डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर घोषाल ये हमारे डायरेक्टर मलकानी साहब है, और मलकानी साहब ये राइटर घोषाल है, जो बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, आप सुने? श्योर श्योर
श्योर श्योर श्योर भाई, कुदड़ी में लाल मिल जाता है जैसे अपना पप्पू यादव मिल गया था। मैं मिलता हूँ सर आपसे। हाँ चलिए, चल बेटा। दादा दादा, गुड न्यूज, गुड न्यूज आपके लिए भी गुड न्यूज है। कल सुबह आप व्हील चेयर में बैठेंगे। अरे हमको चलाने आता है व्हील चेयर नर्स। सर चांदनी फिल्म में क्या चलाई थी आपने? सर इस चेयर में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, टच वुड, ब्यूटीफुल। एक मिनट। यस सर। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने ऑफिस। किधर से जा रहे हैं आप? इस दरवाजे से सर। नहीं, जब तक मैं इस घर में हूं आप यह दरवाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अपनी कार। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बाकी मिस्टर सिन्हा कहेंगे। मिस्टर सिन्हा? मेरे वकील। 5 करोड़ का मुकदमा थोप रहा हूं आप पर। आपके घर में जो मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन। ये तो आप हद कर रहे हैं सर। मैंने क्या किया है? बर्फ किसने गिराई थी? टचवुड। संभालिए, संभालिए। सुनिए। थैंक यू खुशखबरी, खुशखबरी आप सब लोगों के लिए। खुशखबरी, हमारी हेलो कंपनी आपके यहाँ मोबाइल नेटवर्किंग टावर लगाने जा रही है। नहीं भाई साहब, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। अरे कमाल के लोग हैं आप, आज छोटे से छोटे गांव में मोबाइल पहुंच गए हैं और आप लोग मना कर रहे हैं। हम लोग सस्ते में हैंडसेट भी देंगे, सिर्फ 250 रुपए में। अरे भाई साहब, आपसे कह दिया ना, हमें नहीं चाहिए मोबाइल। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई, हमारे चिंटू जी बिना मोबाइल के इमोबाइल पड़े हुए हैं, इसीलिए हेलो यहाँ आए। और आप इन्हें यहां से भगा रहे हैं, प्लीज इन्हें करने दीजिए। ठीक है, लगाइए। थैंक यू वेरी मच सर। चलो बच्चों अपने शोरूम के लिए जगह ढूंढते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए आप भड़किए मत, मेरा तो क्या है ना, चिंटू जी का प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। यहाँ के लौंडों को मोबाइल फोन से कोई एलर्जी है क्या? हाँ, इसके पीछे एक सिगरेट है। सिगरेट? हाँ, आइए मैं बताता हूँ। सीक्रेट बातों में मेरी बहुत दिलचस्पी है। स्टिंग ऑपरेशन। चलिए 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 चलिए। लघु एवं दीर्घ शंका मुक्ति स्थल। यार मैं हिंदी वाला हूँ मगर ये तो मेरे शब्दकोश से बाहर है। क्या मतलब क्या इसका? नंबर एक और नंबर दो। चलिए। बड़ी खुश लग रही हो। आई थिंक आई एम इन लव। तुम तो बड़ी छोटी हो और मैं, and I'm already a married man, you know. That I know very well, sir. But I'm not in love with you. तो मैंने कब कहा? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं एक मैच्योर और समझदार इंसान हूँ, तुम्हें सही सही सलाह दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जरूरत होगी तो मैं खुद ही मांग लूंगी। अभी तो मैं घूमने जा रही हूँ, मेरा काम खत्म। नहीं नहीं, तुम्हारा काम खत्म नहीं, तो तुमने मेरी वो किताब पूरी करनी है। सर प्लीज सर। सिट प्लीज सिट। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? जब आप पहली बार मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे। मैं 15 या 16 साल का था। मुझे याद है जब राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से परमिशन चाही कि मैं अगर जोकर में काम कर सकूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं अपने कमरे में दौड़ के मैंने अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली के एक अखबार से फोन आया है कि उनका एक रिपोर्टर मिसिंग है।
विद्यासागर, उन्होंने बताया कि वो यहीं आके रुका था। जी हाँ, धर्मशाला में, लेकिन कल शाम ही वो कितने चला गया। आहो जी। कहाँ? जी वो तो हमें नहीं पता साहब जी। जी हमें बहुत दुख है विद्यासागर जी कि हमने आपका अपहरण किया और इस तरह आपको बंधक बनाकर रखे हुए हैं। हम सब आपके समक्ष आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बहुत भूख लगी होगी ना, लीजिए थोड़ा अल्पाहार कर लीजिए। चलिए चलिए मुँह खोलिए। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चलो डाक बंगलो जाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अपवित्रो पवित्राय ओम शांति शांति शांति। तो यजमान ये यज्ञ संपन्न हुआ। स्वागतम सुस्वागतम इस घर बहेड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंबई की माया नगरी से आए हमारे सभी साथियों का हर बहेड़ी में हार्दिक स्वागत है। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब से चिंटू जी यहाँ आए हैं, हर बहेड़ी बहुत तेजी से प्रगति की राह पर चल पड़ा है। पहले हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे बिजली आती थी, लेकिन चिंटू जी के कारण अब बिजली विभाग ने 6 घंटे की सप्लाई बढ़ा दी है और बहुत जल्दी हमें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। चिंटू जी की वजह से ही यहाँ पहली बार फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और जैसे यश चोपड़ा जी की वजह से पूरे भारत में स्विट्जरलैंड मशहूर हो गया, हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारा हर बहेड़ी भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा। इधर का आइटम बहुत मस्त है यार। यार तुम जैसे लोग ही ना फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम करते हैं। हमारा शहर बहुत छोटा है और यहाँ होटल वगैरह के नाम पर सिर्फ एक धर्मशाला और सरकारी डाक बंगला है जहाँ आप सबको ठहराना संभव नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आपके लिए भरपूर जगह है। इसलिए आप में से कुछ लोगों के रहने का इंतजाम हमारे घरों में किया गया है। सत्यकांत जी की। आपके खंडाला वाले बंगले की 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। बैंक का नोटिस आ गया है, अगर 15 दिन के अंदर 30 लाख रुपए नहीं भरे तो बैंक प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी सर पे है, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। या ओके। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम ज्ञान है सर। तो मैं क्या करूँ? सर हम कुछ दोस्त लोग मिलकर यहाँ टीवी चैनल की सर्विस शुरू कर रहे हैं सर, और सर हम चाहते हैं कि कल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो सर। 30 लाख? जी 30 लाख रुपए रिबन काटने के लिए। ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो यार भाई? आजकल तो एक्टरों को शादी अटेंड करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, फ्री में तो कोई मैयत पे भी नहीं जाता है। भाई यार वैसे तुम्हारा क्या बजट था? तो त्रिपला का अमर संघवी है। कपूर साहब मेरा नाम अमर संघवी है और मैं माननीय श्री राज मल्लैया जी का पॉलिटिकल एडवाइजर हूं। आपको कौन नहीं जानता अमर संघवी जी? अमर संघवी जी जी आपको हमारी बिरादरी में ऐसे हीरो बड़ा भी। आई डू। माननीय श्री राज मल्लैया जी ने ये विस्की खास तौर पर आपके लिए भेजी है, नोश फरमाएं। वाह वाह वाह, थैंक यू। इसे कोई लेबल नहीं, कोई नाम नहीं? अभी नाम रखा नहीं है लेकिन रखना चाहते हैं, चिंटू नंबर 1। यू मस्ट बी जोकिंग। नो नो कपूर साहब, आई एम वेरी सीरियस। कॉल मी चिंटू। चिंटू नंबर 1, गुड स्टफ। तो चिंटू साहब हर साल आपकी फीस होगी 50 लाख रुपए और जितनी चाहे फ्री विस्की।
Well, this is interesting. और त्रिफला में जहां चाहे एग्रीकल्चरल लैंड. लेकिन मेरी पैदाइश तो यहाँ हड़बेड़ी की है. यहाँ का डिस्ट्रिक्ट त्रिफला ही है. रजिस्ट्रेशन ऑफिस को हम संभाल लेंगे और साबित कर देंगे कि आपकी पैदाइश यहाँ की नहीं त्रिफला की है. तो बोलिए कपूर साहब, मंजूर? मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप मान लें तो मुझे मंजूर. आप आदेश करें. पहली शर्त तो पैसों के बारे में है. ये जो 50 लाख रुपए हैं जो है ना, इसे आप एक राउंड फिगर कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए. 50 lakhs इज ऑलरेडी अ राउंड फिगर सर. आई नो, बट 1 करोड़ इज इवन मोर राउंडर. ओके ओके. दूसरी शर्त, राज्यसभा के लिए मेरा नॉमिनेशन. ठीक है, ये भी हो जाएगा, मगर मुझे माननीय श्री राजमल्ल्या जी से बात करनी पड़ेगी. चिंटू साहब, 2-3 दिन का समय दीजिए और तब तक यहां के लोगों को बहलाए रखिए. नो प्रॉब्लम. अरे बेफिक्र रहिए मोहन जी, आप प्रॉब्लम्स आ होगा, बस 3-4 दिनों में बैंक इंस्टॉलमेंट, टैक्स लायबिलिटी सब पूरे कर दूंगा, प्रॉमिस. ओके. यप. वाओ, लुक एट यू, लुकिंग ग्रेट. ज्ञान की दुकान इनॉग्रेट करने के आपने पैसे मांगे? हाँ. एनी प्रॉब्लम विद दैट? प्रॉब्लम है सर. एज योर पीआरओ आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ दिस. आपका पॉलिटिकल ड्रीम यहाँ के लोग ही पूरा कर सकते हैं और आप उन्हीं से पैसे मांग रहे हैं. माय डियर, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं. एनीवे, कल से थोड़ा मैं अपसेट था, अनाप शनाप बोल दिया होगा. आई डिडंट रियली मीन इट. नो. और वो त्रिफला का आदमी अमर सांगवी, वो यहाँ क्यों आया था? तुम भूल रही हो देविका, मैं भी कभी बहुत बड़ा स्टार था, मेरे भी सैकड़ों फैंस थे, अमर सांगवी उनमें से एक है, इसलिए वो मिलने चला आया. ही इज अ पॉलिटिकल ब्रोकर. वो राज माल्या का खास आदमी है. मैं जानता हूँ. ये विस्की की पेटी भी मल्या जी ने भेजी है और किसी शाम डिनर का इन्विटेशन, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया. आप सच कह रहे हैं? लो, मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ? आई क्रॉस माई हार्ट, होप टू डाई इफ आई लाई. तो फिर प्लीज मेरे साथ चलिए और हर बहेड़ी वालों को विश्वास दिलाइए जो बाहर खड़े हैं. बाहर खड़े? हाँ, चलिए ना. अब तुम चलो, मैं फ्रेश हो गया. 2-3 दिन का समय दीजिए और तब तक यहाँ के लोगों को बहलाए रखिए. दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, मैंने राजमल्ल्या का नेवता इनकार कर दिया. मैंने साफ साफ कह दिया कि हड़बहेड़ी मेरा है और मैं हड़बहेड़ी का हूं. मैं त्रिफला नहीं आऊंगा. बस इतनी सी बात थी. लगता है आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है. मेरी बात का विश्वास नहीं है? अरे छोड़ो यार, क्या पीठ का दर्द. सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि आप लोगों को मेरी मां, मां जी. अरे आ मां, देखिए देखिए, कौन है ये, कौन है ये? मेरी मां है ये. मां, आज मैं इस मां के सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मेरा त्रिफला वालों से कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं. अनजाने में अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं. मैं तो अरुण से भी माफी मांगता हूं. और ज्ञान, अरे ज्ञान मेरे भाई, मुझे माफ कर दे ज्ञान, मुझसे भूल हो गई यार. मैं तेरी दुकान का उद्घाटन अभी करूंगा और फ्री करूंगा, फ्री. तू करवाएगा ना यार मुझसे? गले मिलना यार. ओके, श्री गणेश करते हैं फिर. गुड लक, गुड लक. जिंदाबाद.
मेरा दोस्त जैक विदेश से पहली बार हिंदुस्तान आ रहा है इसी फिल्म की शूटिंग के लिए, उनका स्वागत जरा धूमधाम से कीजिएगा। Welcome, my friend Jack. Welcome to India. Comment ça va, mon ami? Man, ठीक हूँ. शुक्रिया, शुक्रिया. Your Hindi is not bad, and my French wasn't bad either. How was your journey? I am thrilled. But I couldn't hear a thing because I was in that very unique vehicle. क्या बोलते हैं उसको? Palki. It's a palanquin. I want to see some more unique features of your country. Unique? Yes. Well, कल सुबह दिखाता हूँ हिंदुस्तान की सबसे यूनिक चीज. It's really a very unique way of doing potty sikhe on my haunches. Isiko yoga bolte hai na? Wow. I'm enjoying this. Khula aasman, nadi ka kinara, taazi hawa, chiriyon ki udaan aur mitti mitti boli. It's divine. Isliye waswale India ko apna guru bolte hai na? I will try it back home. Thank you sikhe. Thank you very much. You are most welcome, Jack. आइए सर. ये इधर? ये जी हाँ इस तरफ. ये देख लीजिए, वैसे हर बाड़ी में एक से एक लोकेशन है. ये भी एक है अगर आपको अच्छा लगे. हाँ हाँ. आगे उस तरफ. नहीं नहीं, बस कैमरा यहीं लगेगा, यहीं से ही शूटिंग होगी, यहीं यहीं. मलकानी तुम सेट यहाँ लगाओगे? सेट? सर चंडू जी एक सेकंड. क्या हुआ? एक सेकंड सर. क्या बात कर रहे हैं सर, पैसे नहीं है, बजट नहीं है. यार तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. नहीं, खूनी खजाना का सबसे इम्पोर्टेंट गाना है ये. हाँ, मेरा एक ड्रामेटिक मोमेंट है. इसीलिए और... इसीलिए तो सर मैं 8 फिरंगी डांसर्स को लेके आ रहा हूँ गाने में. और तो और सर मैंने इसके अंदर मेनका जी को भी डाल दिया है गाने के अंदर. मेनका? हाँ सर. मेनका? हाँ सर. वाओ, लेट्स गो. सर देखिए, आपके लिए कितना कुछ करता हूँ मैं, लेकिन अगर आप भी कुछ कर दें तो मतलब सेट के लिए. अरे यार, अरे कांता जी एक बात बताएं. जी सर. मलकानी जी को अगर यहाँ कुछ एक छोटा सा सेट लगाना पड़े तो आप लोग. अरे सर आदेश दीजिए सब. बस बस मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया. बस थैंक यू सर. क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. क्या सरप्राइज है? दिखाता हूँ. होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन. कम यहाँ. सी. हर पहेड़ी टाइम्स कलम है और वो भी डेली. वाव, दिस इज इनक्रेडिबल. आई एम सो हैप्पी. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू देविका. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. मेरी वजह से नहीं, चिंटू जी की वजह से. हाँ मानता हूँ, चिंटू जी की वजह से हमारे अखबार का सर्कुलेशन दुगना हो गया. हर पहेड़ी का नाम पूरी दुनिया में हो गया. लेकिन मेरा असली माध्यम तो तुम हो. तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हो गए. सारे नहीं, एक बचा है अभी. आपकी डाक दिल्ली से ये रजिस्ट्री आई है आपके नाम धर्मशाला के पते पर. आपके साइन चाहिए. पैरों से कर देता हूँ, हाथ तो आप लोगों ने बांध के रखे हैं. ओहो माफ कीजिए, मैं अभी खोल देता हूँ. क्या है कि सरकारी काम है और सरकारी मामले हमेशा कायदे कानून से होने चाहिए. और देखिए इसके लिए हमें आपके सिग्नेचर्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सिग्नेचर की. ये लीजिए, ये लीजिए. कहाँ रखूँ? झुकिए. हाँ देखिए, तारीख भी डाल दीजिएगा प्लीज़. तारीख? हाँ जी. ठीक है, ये लीजिए. शुक्रिया, शुक्रिया. अच्छा भाई, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज.
लगता है ये बादल आज रात भर परसेंगे। चलो तो फिर अपनी लंबी कहानी सुनाओ। क्या करोगी सुन के? तुम तो कुछ दिनों में यहाँ से वापस चली जाओगी। तुम भी साथ चलो ना, तुम टैलेंटेड हो और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ। मैं मानती हूँ कि हर बहेड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है, बट यू नो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर योर हॉलीडेज। तुम नहीं समझोगी देविका, मेरा सब कुछ यही है। दिस इज वेयर आई नीड टू बी। तुम तो यहां से वापस चली जाओगी और इस जगह को भूल जाओगी, बट दिस इज माई डेस्टिनी एंड आई एम हियर टू स्टे। मेरी लंबी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम सुनना चाहती थी ना? शॉक लगेगा तुम्हें सुनकर, फिर भी मैं सुनाता हूं। मेरी कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, सन 2001, 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तुम्हें याद है ना देविका? जी, एक बात अच्छी है कि जैसा मलकानी साहब ने कहा था, लगभग अपना सेट वैसा तैयार हो गया है, नहीं? और एक और खास बात, चिंटू जी ने आदेश दिया है कि आप सबको भी फिल्म में अभिनय करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि चिंटू जी की वजह से हमारी हड़बहेड़ी में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। देखो मतलब इतना काम हो रहा है। अरे भाई, अगर हर व्यक्ति चिंटू जी की भांति अपनी जन्मस्थली के बारे में ऐसे ही सोचे और इस प्रकार कार्य होता रहे, तो फिर हमारे नौजवानों को महानगर जाने की आवश्यकता ही क्या? मिस्टर मलकानी, मेरा मोटिवेशन क्या है? एक्टर का एक ही मोटिवेशन होता है, मनी मनी मनी। सो शुड आई से मनी? नो, यू से हिडन बाय, आई एम बॉइलिंग, आई एम बॉइल। हां रिहर्सल देख लीजिए। हां चलो ठीक है, साइलेंस। अरे मिस्टर मलखानी, मेरा शॉट जी, मेनका जी 2 मिनट। अरे मेनका जी को चाय पानी पिलाओ यार। अरे छाता हटा यार। हां भाई एक्शन बोलो। एक्शन एक्शन। रिटेक करेंगे ये क्लैप मेरा बाप देगा वहां जाके। सर ये टेक नहीं था, रिहर्सल थी सर। तो क्या क्लैप की रिहर्सल नहीं होगी? होगी। हाँ चल। एक मिनट एक मिनट, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो मैं घोड़े में बैठ के आता था, मुझे खटिया पे क्यों डाल दिया मान साहब? ये आप डायरेक्टर साहब से पूछिए, इन्होंने हुक्म किया मैंने डाल दिया। चिंटू जी वो आप बीमार पड़े तो मैंने सोचा आपको कहाँ तकलीफ दूंगा, इसलिए कटिया पे डाल दिया मैंने। पर अब तो मैं ठीक हूँ, घोड़े पे भी बैठ सकता हूँ। उतारी मुझे, उतारी मुझे। आप मुझे पूरा सीन समझाइए और जरा मुझे मोटिवेट कीजिए एज एन एक्टर। अरे एक्टर का एक ही मोटिवेशन होता है, वो मैं बताता हूँ ना आपको। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, घोड़ा लेके आओ ना। चल सर, ये आ गया सर घोड़ा। क्या ये घोड़ा है? हाँ सर। हड़ो हड़ो। अरे यार ये तो खच्चर है। हर बाहरी में सर यही मिला। चलेगा चलेगा। चिंटू जी आप खच्चर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? आप मेरे एक्शन बोलते ही बस वहां पहुंचिए, ठीक है? एक्शन। अरे चिंटू जी आइए ना यार, ये खच्चर चल ही नहीं रहा। अरे तो चाबुक मारिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेनका जी नाराज हो जाएंगे। मुझे क्या पड़ी है नाराज होने की? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो मेनका जी की बात कर रहा हूँ, जानवरों वाली। ओके ओके ओके, लेट मी थिंक। एक्शन। Action! Hidden bomb! I'm boiling! Mabotu! Sese Zico Cucu! Mm.
हम मसा कट वेरी गुड वेरी बैड क्यों मेनका जी ने डायलॉग गलत बोला एक चेक और लीजिए मैंने वो ही बोला जो आपने लिखा है जी नहीं मोहतरमा आपने गलत बोला आपकी लाइन क्या थी मोबतू से सीको कुकू निगवेंदु वजा बांगा गलत आपकी लाइन है मोबतू से सीको कुकू निगवेंदी वाजी बांगी अब इन दोनों में फर्क क्या है बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है आपको सही लाइन बोलनी पड़ेगी नहीं मैं जो बोल चुकी सो बोल चुकी दोबारा नहीं बोलूंगी और वैसे भी आपकी सारी लाइनें बकवास है मुझे चैलेंज कर रही है जुमा जुमा 8 दिन हुआ आपको इंडस्ट्री में मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ 17 हिट फिल्में दे चुका हूँ 3 फिल्मफेयर और 2 नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ और आप मुझे लिखना सिखाएंगे मलकानी साहब अरे मलकानी साहब चाहे संपत जी को बुलाए चाहे भट्ट साहब का फोन लगाए इस बार मैं 1 इंच नहीं हिलूंगा मेरे पीछे मेरी एसोसिएशन है आपको सही लाइन बोलनी ही पड़ेगी मैं नहीं बोलूंगी हरगिज नहीं बोलूंगी एक मिनट आप दोनों शायद ये बात भूल रहे हैं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं हूँ मैं अगर हैं तो साबित कीजिए और इनसे लाइन सही बोलवा के दिखाइए अगर ये डायलॉग उठा के मैं पप्पू यादव को दे दूं तो आप नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकता मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ मेरे पीछे मेरी भी एसोसिएशन खड़ी हुई है मुझे कौन रोकेगा मैं रोकूंगा क्योंकि ये लाइन एक मर्द नहीं बोल सकता अरे क्यों नहीं बोल सकता है क्योंकि इसका मतलब है मैं माँ बनने वाली हूँ मेनका जी मैं दिल का मरीज हूँ आप ये एक लाइन सही बोल दीजिए मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा कैश शुरू से लेंगे नहीं सिर्फ एक लाइन क्लोज अप में ओके रेडी थैंक यू रोल साउंड कैमरा एक्शन Cut. Song. Song! Tarantino! Oh! Vittorio! Oh! Misoguchi! Oh! Capola! Oh! Tarantino, Wilder, Capra, Osuberto, Lucci, Peckinpah. Fellini, Visconti, Oshima, Coppola, Coppola, Tarantino, Wilder, Capra, Osuberto, Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola, Coppola. Wilder, Hitchcock, Waita, Mizoguchi, Da Palma, Wilder, Hitchcock, Waita, Brian, Da Palma, Akira, Kurosawa, Vittorio, Di Sica, Akira, Kurosawa, Vittorio, Di Sica. Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica. Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica. Shabara one time, shabara one time, never swear again. Shabara one time, all lights are shut, shut, turn off, turn off. Tarantino, oh, Vittorio, oh, Misoguchi, oh, Coppola, oh. Bertolucci, Bertolucci, Lumet, ah Lumet. Bertolucci, Bertolucci, oh, Sergio Leone, Sergio Leone, Truffaut, ah Truffaut, Sergio Leone, Sergio Leone, oh, oh. While Hitchcock waita, Misoguchi da Palma. While Hitchcock waita, Brian da Palma. Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica. 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 Rob the boss and I know say the boss and rob the needs and needs and needs and rob the boss and rob the any boss and rob the needs and needs and needs and. Mom, me, mama. Yeah. Mama. Bunga, bunga. Satyajit Ray. Hey, Mac.
Hitchcock White, Misa Cochita Palma, Wile Hitchcock White, Prime the Palma, Akira Kurosawa, Vittorio Tisica, Akira Kurosawa, Vittorio Tisica, Akira Kurosawa, Vittorio Tisica, Akira Kurosawa, Vittorio Tisica, Tarantino, Wilder, Capra, Osberto Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola, Coppola, Tarantino, Wilder, Capra, Osberto Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola, Coppola, Wilder, Hitchcock, Waita, Miso Gucci, Da Palma, Wilder, Hitchcock, Waita, Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica, Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica, Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica, Akira Kurosawa, Vittorio Di Sica. पप्लू को तो उसका आइटम मिल गया, अरे अपने लिए भी कोई आइटम ढूंढ ना। पप्लू बहुत सीरियस है यार। अरे गंदा सीरियस है। अबे खजूर, दारू लाने 6 मील दूर गया, अभी आइटम क्या पैदा करूं? अभी देख आ रही कभी मेरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? आजा छोड़िए, छोड़ना यार। अरे क्या कर रहा है यार? आइटम ना सही, उसका दुपट्टा ही सही। हद होती है, इन लोगों ने आपके घर में चोरियां की, आयशा के साथ बदतमीजी की और आप सब चुप हैं। हम लोग तो पहले ही कहते थे कि हमें नाम प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं प्रसन्न हैं। बेटा अरुण, तरक्की के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी रहती हैं जो साथ चली आती हैं। मैं हड़बहेड़ी की विशेषताएं दुनिया के सामने लाना चाहता था। खैर, मेरा सुझाव है इन लोगों के सामान की तलाशी ली जाए ताकि चोरी का माल बरामद हो सके, और उस लड़के को तो मैं पीटना चाहूंगा जिसने आयशा के साथ बदतमीजी की। देखो अरे पुत्र, वो लोग कल जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरुण, नहीं। अरे यार, मैं जिस घर में ठहरा था वहां सभी लोग एड़े थे, ये देख। अबे उठा के लाया तू? और क्या, सामने लक्ष्मीपेड़ कोई छोड़े क्या? अबे देख, मैं ये उठा लाया। अबे साले, अबे तुम लोग बहुत लकी हो यार, अपू के हाथ में तो यही चलगा बस। आपकी यात्रा के लिए घर का खाना, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये लीजिए, ये लीजिए। आराम से खाओ यार, मुर्गा भाग नहीं जाएगा। अरे साले बुड्ढों ने फल फूल और जड़ी बूटियां खिला खिला करके हालत खराब कर दी। वो तो इस लेटर की वजह से मैं बच निकला। मेरा शक सही निकला, इसका असली नाम मंजीत सिंह है। पार्लियामेंट में जो आतंकवादी अटैक हुआ था उस केस में पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? देखते जाओ क्या करूंगा। हेलो, यस, ओ ओके सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से फोन था। प्रधानमंत्री? हाँ, हमारे विदेश सचिव श्री संजीव ओबरॉय और उज्बेकिस्तान के फॉरेन काउंसिल यहाँ पधार रहे हैं, चिंटू जी से अर्जेंट काम है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, दिस इज माई काउंटर पार्ट मिस्टर निकोलाय गोगोल, फॉरेन काउंसिल ऑफ उज्बेकिस्तान। Есть одна очень больная женщина, она хочет приехать к вам. मिस्टर निकोलाय गोगोल कह रहे हैं कि ताशकंद में एक महिला बहुत बीमार है और यहाँ आना चाहती है। ये बीमार महिला उज्बेकिस्तान के उपराष्ट्रपति श्री व्लादिमीर कुर्याटिन की धर्म पत्नी है और कैंसर के लास्ट स्टेज पे। हाँ, लेकिन इस मामले से मेरा क्या संबंध? लेट मी एक्सप्लेन। उनके हस्बैंड ने ऑफिशियली और पर्सनली भी हमारे प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि लेडी मरीना की अंतिम इच्छा पूरी करने में सहयोग करें। उज्बेकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच प्रोटोकॉल है, इसलिए भारत सरकार इस दिशा में हर तरह का सहयोग देना चाहेगी। श्रीमती क्सेनिया कुर्याटिना विभाग से पहले एक अभिनेत्री थी,
बहुत साल पहले उन्होंने आपके पिताजी श्री राज कपूर के साथ एक फिल्म में अभिनय किया था जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। अपने भारत प्रवास के दौरान वो आपके पिताजी के साथ एक बार यहाँ आई थी। आप जीवन के अंतिम दिनों में दोबारा यहाँ आना चाहते हैं? Она молится. В обратно корее. Мистер Капур, вы обку буларее. Hello, Sana. I'm Rishi Kapoor. Welcome to India. Thank you. You look like your father. Really? It's true. Dada? Ha ha. Это для вас. Посмотрите. May Charles Salpaye Ayaha, and I always dream to be here once again. Tumhari Pitaji Bahat Ache Kalakar Te Lekinuse Pi Ache Insante Tumbi Vesehi Bana. Храни тебя, Господь. हेलो मंजीत। क्या हाल है? मेरा नाम अरुण बख्शी है।
मंजीत नहीं। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूं। क्या चाहते हो? वो 30 लाख रुपया जो आतंकवादी संगठन ने तुम्हें अपने साथियों को बांटने के लिए दिया था। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम यहां चैन से रहना चाहते हो तो मुझे वो पैसा चाहिए। कल रात मैं फिर आऊंगा, पैसा तैयार रखना। देविका, ये सच नहीं है। झूठे लायो। रोजनी, रोना बंद कर, मत रो। अरुण झूठा नहीं है देविका, सिर्फ एक सिम कार्ड की वजह से उसे आतंकवादी समझ लिया गया। और जिस व्यक्ति को अरुण ने अपना सिम कार्ड दिया था वो अंसारी, वो भी बेकसूर था, पर आज तक बेचारा जेल में सड़ रहा है। हम सब ये बात जानते हैं, इसीलिए तो हमने अरुण को यहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन आपको कैसे पता कि अरुण बेकसूर है? अरे ये सारी बातें खुद अरुण ने हमें बताई हैं, और हम सबका दिल कहता है कि अरुण बेकसूर है। और वैसे भी हम हड़बड़ी वाले दिल की ही सुनते हैं। मैं क्या करूं? प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर जोशी, चीफ एडिटर। हेलो सर, मैं देविका मल्होत्रा बोल रही हूँ। जी सर। सर मुझे पार्लियामेंट अटैक, अंसारी केस से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन प्लीज मेल कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर, आई विल बी ग्रेटफुल। जनाब अमर संघवी साहब, क्या हाल चाल है? आई एम वेरी वेल सर, थैंक यू। जी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मैंने, आप ही के सामने साइन कर दूंगा। और सर वो मेरा छोटा सा चेक सर आ रहे ना। थैंक यू सर। बस आपसे एक दरखास्त थी, TDS मत काटिएगा। थैंक यू सर। हाँ बस थोड़ी देर के बाद निकल पड़ेंगे तुरफला। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। या देविका, अमर सांगवी के साथ आप क्या साजिश कर रहे हैं? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माय बिजनेस। यू आर अ लायर मिस्टर ऋषि कपूर। आई एम क्विटिंग एंड आई एम गोना रिपोर्ट दिस टू माय एजेंसी। ओ डैम योर एजेंसी, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरा पॉलिटिकल करियर का सवाल है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। सो गो टू हेल। यू गो टू हेल। लीजिए, इनिशियल कर लिए हैं बाकी पेजेस और हियर इज मिस्टर ऋषि कपूर। यस सर। ये लीजिए चिंटू जी, ये रहा आपका राउंड फिगर 1 करोड़। धन्यवाद। थैंक यू। फैंटास्टिक। अब चलें तरफला, पार्टी का मजा लूटिए जल्दी। क्या एक्टर जात का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा रोल बदलते रहते हैं। हमसे ज्यादा तो आप लोग पार्टियां बदलते हैं अमर संघी जी। मंजीत, मंजीत सिंह। मंजीत मैं आ गया, पैसा लेने। क्या हुआ भैया? ये लीजिए कांता जी, जिससे जितना हुआ उतना उसने डाल दिया। ये कुछ पैसे और
और मेरी बीवी के चांदी के कंगन लीजिए। चौहान आ गया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अंसारी के मोबाइल में आखिरी मैसेज था, पैसा मिल गया है, मैं दिल्ली छोड़ रहा हूँ। अंसारी के पास पैसा नहीं मिला तो कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता कहाँ गया। चौहान साहब, अरुण को छोड़ दीजिए। चौहान साहब, ये कभी झूठ नहीं बोलता। चौहान साहब, इसके पास न कभी कोई पैसा था और न है। आपको पैसा चाहिए ना? ये हम सभी हड़बड़ी वालों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, आप इसे लीजिए और हमारे अरुण की जान छोड़ दीजिए आप। अरुण, होशियारी नहीं मंजीत, ये बैग मुझे दे दो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अरुण बैग दे दे यार, बैग दे दे यार। तू मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे दिल्ली ले चल। मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बैग तुझे नहीं दूंगा। मंजीत, वो बैग मुझे दे दो। नहीं दे अरुण, दे दे बैग, दे दे बैग, दे दे मंजीत, वो बैग मुझे दे दो। नहीं दूंगा अरुण। अरुण उठ जा, उठ जा, तू ठीक है ना? ला तू बैग दे। नहीं, पागल मत बन, तू छोड़। ये लो पैसा और चले जाओ यहां से। रुको, इस बैग को हाथ भी मत लगाना। तुम दोनों कितने कमीने हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को 3 महीने पहले बरी कर दिया, इसीलिए अरुण का केस डिसमिस हो गया, और तुम अभी भी उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये देखो, ये रहा सबूत, अरुण निर्दोष है। अरुण, तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry अरुण, मैंने तुम्हें गलत समझा। चले त्रिफला। You know, I want to show you something very unique about us Indians. आप भी मेरे साथ चलिए अमर संघ जी। मैं इस आदमी को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हिंदुस्तानी लोग हम जैसे लोगों की पूजा करते हैं। आप hey, कुलदीप, बिस्की ले गया गाड़ी में, फिर चलते हैं त्रिफला। आ, कम चेक कर। Hey, ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको इधर। Yeah, भैया, come on, Jack. Come on, Jack. This is me. This is how the Indian people worship their actors, politicians, sports people. This is how the Indian people want to show their love for their idols. This is a 35 feet me. Cheers to me. My, my. It's so huge. 20 foot ka hoga, Amar Singh ji. But do they live up to their image, CK? Huh? Sorry, I couldn't hear you. Say again. I said, do they or do you live up to that image? पूछ रहे हैं कि आप नेता, अभिनेता और खिलाड़ी लोग सचमुच इतने महान होते हैं?
तुझसे ज्यादा कमीना और जलील इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू जब से यहां आया है हमारे शहर को ग्रहण लग गया, तेरे साथ तेरी दुनिया की हर बुराई आई। इन्हें देख, इन लोगों ने तुझे क्या नहीं दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, अपने सर पे बिठाया तुझे। तेरी फिल्म में सबने मुफ्त काम किया, तेरी मांस मदिरा के लिए अपना धर्म भ्रष्ट किया, चोरों और गुंडों को हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक विदा किया, और तूने क्या किया इनके लिए? धोखा, गद्दारी। तूने तो हमारी बीजी को मां कहा और इन्हीं के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा ली। अरे नहीं तो हम जान से ज्यादा प्यासे। पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन उससे भी अच्छे इंसान थे। तुम भी वैसे ही बना। मुझे माफ कर दीजिए पिंटू जी, अभी मैं अधूरा हूं। मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए। चिंटू बेटे, हमें माफ कर देना। अरुण बच्चा है, भूल हुई है उससे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम त्रिफला जाना चाहते हो तो हम सब तुम्हें सीमा तक छोड़ने आएंगे। तुम कहीं भी रहो, हमेशा हमारे दिल में रहोगे और हमारा प्यार भी तुम्हारे लिए हमेशा बना रहेगा। तुम्हें कुछ दिखाऊं? Yeah.
देखिए, दिस पीपल आर ग्रेट, इन्होंने तुमको पिरुता दिया। और इस तरह आखिरकार हड़बहेड़ी के लोगों का सपना पूरा हुआ और उनका शहर मशहूर हो गया। अब हड़बहेड़ी स्टेशन पर शिलाजीत एक्सप्रेस भी रुकती है। चिंटू जी और मलकानी ने मिलकर हड़बहेड़ी सिनेमा हॉल को डॉल्बी सिस्टम से अपग्रेड कर दिया। हवाई अड्डा पूरी तरह से हड़बहेड़ी को मिल गया। सत्यकाम जी की समाधि के दर्शन करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट भी आने लगे। चिंटू जी ने राजनीति में जाने का विचार त्याग दिया। देविका ने अपनी पीआर की नौकरी छोड़कर अरुण का अखबार ज्वाइन कर लिया और दोनों ने मिलकर अपना घर बसा लिया। कुट्टी और मरियम्मा ने भी शादी कर ली। हड़बहेड़ी के बुजुर्ग अब भी उसी चाय की दुकान पर बैठकर शतरंज खेलते हैं और गप्पे मारते हैं। कहीं आंधियों में चराग है, चराग है, कहीं नफरतों की आग है, आग, कहीं जुल्म का सैलाब है, कहीं टूटा बिखरा ख्वाब है। हम लोगों को ना कोई फिक्र, इस माटी पे है रब दी महर, यहाँ सब ठीक है। कहीं पर दिलों में खोट है, कहीं चाहतों में भी चोट है, कहीं आईनों में गुब्बार है, कहीं जिंदगी सरेदार है। हम लोगों को ना कोई फिकर, इस माटी पे है रब दी महर, यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, सब ठीक।